गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2022। गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कर देते हैं। 9:15 हो गया है, इसलिए ज्यादा देर नहीं करके मैं इमीडिएटली हमारे एप्लीकेशन को कनेक्ट कर देता हूं अलाइस ब्लू ब्रोकर के साथ। 10 से 15 सेकंड लगेंगे। देखिए 9:15 28 सेकंड हो चुके हैं। जल्द से जल्द मेरे को कनेक्शन करना होगा सक्सेसफुली कनेक्टेड टू अलाइस ब्लू ऑर्डर सेक्शन में जाके। प्रीवियस डे के कुछ भी ऑर्डर नहीं है क्योंकि हमने कल ट्रेडिंग नहीं किया था, तो स्टार्ट में क्लिक कर देंगे। इतना करते ही हमारा काम शुरू हो गया है। फायर से हम क्या करेंगे, फायर के चार्ट में चले जाएंगे और अलाइस ब्लू के साथ लॉग इन कर लेंगे। पहला कैंडल फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। 9:15 51 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। पहला कैंडल बन चुका है हमारा। मार्केट आज गैप ऑफ खुला है और गैप ऑफ खुलने के बाद ऊपर मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, पर मार्केट जो है 5 PM के ऊपर है। हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना है, वेट करते हैं दोस्तों। और उसी बीच में अलाइस ब्लू को लॉग इन कर देता हूं। तो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, लाइव मार्केट से डेटा फेच होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए 9:17 का कैंडल भी शुरू हो चुका है। 9:16 का कैंडल कंप्लीट होके देखिए 9:17 का कैंडल अभी कंटिन्यूएशन में है। लाइव मार्केट से डेटा फेच हो रहा है। 39,261, 39,261, 264, 258, 260 ये लाइव मार्केट में प्राइस मूवमेंट कर रहा है दोस्तों। और यहां पे हमें तभी एंट्री मिलेगा क्योंकि 5 PM के ऊपर है। किसी भी कैंडल है जो कि 5 PM को नॉट टच नहीं किया है, उस कैंडल के लो के नीचे निकलेगा तभी हमें एक एंट्री मिलने का अवसर मिलेगा। 9:16 के कैंडल के नीचे अगर 9:17 का कैंडल क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हमें एक शॉर्ट साइड में एंट्री मिल जाएगा दोस्तों। वेट करते हैं ऐसा नौबत आता है कि नहीं। 9:17 का कैंडल कंप्लीट होने के लिए अभी भी 15 सेकंड से ज्यादा टाइम बाकी है, वेट करते हैं दोस्तों। 17 का कैंडल कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा वेटेज रहेगा कि 9:17 के कैंडल के लो के नीचे 9:18 का कैंडल अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हमें एक एंट्री मिलेगा। ऐसा सेटअप बन के है यहाँ पे। 9:17 18 का कैंडल अभी कंटिन्यूड हो रहा है और वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वेट करते हैं दोस्तों, कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलता है आप लोगों को अपडेट करता हूं। तो 9:18 का भी कैंडल कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ, हो चुका है। अगर 9:19 का कैंडल 9:18 के कैंडल के लो के नीचे क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हमें वहां पे एक पुट में एंट्री मिल जाएगा, बट देखते हैं वो ऐसा होता है कि नहीं होता है दोस्तों। 9:19 का कैंडल भी क्लोज होने के कगार पर रहेगा। 9:20 का कैंडल 9:19 के कैंडल के लो के नीचे अभी क्रॉस करेगा तब वहां पे हमें एक एंट्री मिलेगा। पर अगर नहीं क्रॉस करेगा ऊपर की साइड में, अगर वैसा हमारा नॉन टचिंग सेटअप बनेगा तो वहां पे एंट्री बनेगा। वेट करते हैं दोस्तों किस तरह से मार्केट मूवमेंट देता है। देखिए 9:21 का कैंडल 9:20 के कैंडल के नीचे क्रॉस तो किया है पर यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि ये जो कैंडल है 9:20 का कैंडल कंप्लीटली 5 PM के ऊपर नहीं बना है, 5 PM के नीचे उसका लो है, इसलिए यहाँ पे एंट्री ही बनेगा दोस्तों। वेट करते हैं दोस्तों, वैसा कोई एंट्री सिस्टम हमारे लिए क्रिएट होता है तो आप लोगों को अपडेट करूंगा दोस्तों। यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एक एंट्री बन सकता है। जी हाँ, इमीडिएट बेसिस में बन गया है, देखते ही देखते बन गया एंट्री कॉल ऑप्शन में। और वो बना है 9:28 के कैंडल के हाई के ऊपर। जैसे ही 9:29 का कैंडल क्रॉस किया 39,200 के कॉल में 411.25 के भाव में एंट्री मिला। टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी अपडेट करता हूं दोस्तों। ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, जो एंट्री बन के आया है दोस्तों 39,221 पे बन के आया और 39,203 यानी कि 17 पॉइंट का 18 पॉइंट का ट्रेड है। उसके अगेंस्ट 39,257 और 39,276 दो ट्रेड आउटकम्स बन के आ रहा है। देखते हैं वहां तक मार्केट जाता है कि नहीं जाता है, या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। वेट कर, पहले टारगेट के आसपास मार्केट आ चुका है दोस्तों। पहला टारगेट हिट हो जाना चाहिए, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है? रिफ्रेश करते हैं, इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन देख जाएगा। देखिए 39,200 412 पे एंट्री हुआ था, 427 का टारगेट जो है, जो पहला टारगेट मिला। दूसरा टारगेट भी किसी भी वक्त हिट हो सकता है दोस्तों, 276 का है, 274 तक मार्केट आ चुका है। हमारा सबसे पहला काम रहेगा दूसरा क्वांटिटी के स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देना। एक सेकेंड, दूसरा क्वांटिटी भी शायद हिट हो चुका है इसी बीच में, रिफ्रेश करेंगे तो पता चल जाएगा, इसीलिए नहीं दिखाया। देखिए 427 और 436 दो टारगेट हमारा कॉल ऑप्शन का हिट हो चुका है दोस्तों। बहुत जबरदस्त ट्रेड रहा पहला ट्रेड, डिसेंट ट्रेड था, बहुत जबरदस्त तो नहीं बोलूंगा, डिसेंट ट्रेड था। पहला ट्रेड में 16 पॉइंट और दूसरा ट्रेड में ऑलमोस्ट 24 पॉइंट, यानी कि 40 पॉइंट का ये हमें गेन मिला। और काफी दिन बाद, 5 दिन लगातार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, छठा दिन आज जो है पहला ट्रेड हमने प्रॉफिट कमाया है। देखो देखो अभी नोटिफिकेशन आ रहा है कब से एग्जीक्यूशन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो भी सिस्टम बन रहा है दोस्तों आपके सामने, वो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हमें पहला ट्रेड का आउटकम मिला। वेट करते हैं और कोई दूसरा एग्जीक्यूशन मिलता है तो आप लोगों को अपडेट करते हैं। देखिए अभी अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, कितना लेट में नोटिफिकेशन आ रहा है, पर ट्रेड लग चुका है दोस्तों। यहाँ पे पुट ऑप्शन में एक एंट्री बन सकता है अगर
9:32 के कैंडल के नीचे 9:33 का कैंडल क्रॉस करता है। देखिए 9:33 का कैंडल तो कंप्लीट हो चुका है, वो क्रॉस नहीं किया। अगर अभी 9:34 का कैंडल 9:33 के कैंडल के नीचे क्रॉस करता है तो डेफिनेट बेसिस पे हमें पुट ऑप्शन में एंट्री मिलेगा। वेट करते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे कॉल ऑप्शन में वापस एंट्री बन सकता है, जी हाँ, बोलते बोलते ही बन गया। 39,300 के कॉल में 363,362 के भाव में एंट्री मिला है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप लोगों को अपडेट करता हूँ। जो एंट्री बन के आया है वो 39,245 पे बन के आया है कि 219 का स्टॉप लॉस है, यानी कि 25-26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। उसके अगेंस्ट 39,290 और 39,325 दो टारगेट बन के आ रहा है। वेट करते हैं दोस्तों ये ट्रेड में हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस क्या मिलता है। एंट्री होने के तुरंत बाद स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। दूसरे ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस झेलने को मिला 344 और 337 के भाव में। थोड़ा सा लंबा मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट हुआ, इसीलिए 344 और 337 के भाव में हमारा दूसरा ट्रेड एग्जिट हो चुका है दोस्तों। वेट करते हैं कोई तीसरा अपॉर्चुनिटी बनता है आप लोगों को अपडेट कर। तो वापस से कॉल ऑप्शन में एंट्री बन सकता है, जी हाँ, अगर 9:41 के कैंडल के ऊपर 9:42 का कैंडल क्रॉस करता है। जी हाँ, देखिए एंट्री बन चुका है 39,200 के कॉल में 398,395 के भाव में एंट्री बन चुका है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी अपडेट कर देता हूँ दोस्तों। जो एंट्री बन के आया है वो बन के आया है 39,202 पे, स्टॉप लॉस 39,172 यानी कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। उसके अगेंस्ट 39,264 294 दो टारगेट बन के आ रहा है। वेट करते हैं दोस्तों इसमें टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होता है, देखते हैं। दोस्तों ये कॉल ऑप्शन में भी स्टॉप लॉस हिट होने के बराबर मार्केट आ चुका है। यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है ये लेवल पर एंड उसी के आसपास मार्केट मंडरा रहा है। किसी भी वक्त इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा दोस्तों। अगर हिट हो जाता है ये आज के दिन का दूसरा स्टॉप लॉस होगा। पहला ट्रेड में हमने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद दूसरा ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ और तीसरा ट्रेड अभी है, इसमें अगर हिट हो जाता है तो दूसरा स्टॉप लॉस होगा दिन का। वेट करते हैं ये दोस्तों, देखते ही देखते हिट हो चुका है ये स्टॉप लॉस। 398,395 के भाव में एंट्री मिला था, 377,376 के भाव में एग्जिट मिल चुका है दोस्तों। दोस्तों लगातार चौथी बार आज कॉल ऑप्शन में एंट्री बनने जा रहा है, जी हाँ यहाँ पे बन जाएगा। इमीडिएट बेसिस में रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा सा। देखिए कॉल ऑप्शन में एंट्री बन गया है, एक क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुका है, दूसरा क्वांटिटी किसी भी वक्त हो सकता है। कभी कभी अलाइज ब्लू में ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आता नहीं है। देखिए नोटिफिकेशन नहीं आया, 387 के भाव में एंट्री बन चुका है। छोटा ट्रेड दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, एंट्री जो बन के आया है 39,173 पे बन के आया और 159 का स्टॉप लॉस है, यानी कि मात्र 14 पॉइंट का ट्रेड है। 39,201 और 215 दो टारगेट बन के आ रहा है। वेट करते हैं दोस्तों, 187 तक पहुंच चुका है। हम जैसे बोल रहे थे आपको 39,201 पे टारगेट है, 39,189 का हाई मार चुका है। वेट टारगेट हिट होने के कगार पर 198 चल रहा है, 201 का टारगेट है। देखिए पहला टारगेट हिट हो गया है, 387 का एंट्री था, 398 का पहला टारगेट हिट हो गया। हमारा काम रहेगा दूसरा क्वांटिटी का स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देना। 39,159 पे जो पड़ा हुआ है 173.2 पर ले आएंगे एंड कॉस्ट को कॉस्ट ट्रेल हो चुका है दोस्तों। ओके पे क्लिक कर लेंगे, जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे जो हाई लगाया है मार्केट ने 39,203 का लगा चुका है एंड हमारा जो दूसरा टारगेट है वो 39,215 का बन के आ रहा है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे वो टारगेट हिट होता है या पुट ऑप्शन में एंट्री का मौका मिलता है। वेट कर दोस्तों, देखिए ये कैंडल कंप्लीट हो चुका है 949 का। 950 का कैंडल अगर 949 के लो के नीचे क्रॉस करता है तो पुट ऑप्शन में एंट्री मिलने की बहुत संभावना है। वेट करते हैं वैसा होता है कि नहीं होता। दोस्तों 3-4 पॉइंट ही दूर है, 11 का हाई मार चुका है, 14 का हाई मार चुका है दोस्तों, 15 का टारगेट है, 13, 12, 14 चल रहा है। देखिए दूसरा टारगेट भी हिट हो चुका है, 398 पे पहला टारगेट, 405 पे दूसरा टारगेट हिट हो चुका है। ये फोर्थ ट्रेड था और दूसरी बार जो है हमने दोनों के दोनों टारगेट हिट किए हैं आज के डेट में। वेट करते हैं दोस्तों कोई तीसरा ट्रेड मिलता है तो आपको अपडेट करता हूं। आज पुट ऑप्शन का पहला ट्रेड बन सकता है अगर 9:55 के कैंडल के लो के नीचे 9:56 का कैंडल क्रॉस करता है। जी हाँ क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे पुट ऑप्शन के ऑर्डर्स आ जाने चाहिए। देखिए इमीडिएट बेसिस में ऑटोमेटेड ऑर्डर आ गए हैं, 348.65, 349.10 ये दोनों भाव में एंट्री मिला है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों, 39,285 का एंट्री है और 39,301 का स्टॉप लॉस है, यानी कि 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 39,253 और 39,236 दो टारगेट बन के आ रहा है दोस्तों। वेट करते हैं वहां तक जाता है कि नहीं जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो। दोस्तों देखिए स्टॉप लॉस हिट हो चुका है,
इमीडिएट बेसिस में पुट ऑप्शन में एंट्री मिला और स्टॉप लॉस जो है 349 348 में एंट्री हुआ था, 340 के एवरेज भाव में एग्जिट मिल चुका है दोस्तों। और टाइम जो है 9:57 हो रहा है और एक दो मिनट बाद कोई नया ट्रेड नहीं मिलने वाला है। वेट करते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम क्रिएट होता है, आप लोगों को अपडेट करता हूँ। दोस्तों पुट ऑप्शन में वापस से एंट्री मिल चुका है 9:957 के लो के नीचे, जैसे ही मार्केट निकला वहां पे एंट्री बन चुका है दोस्तों। यहाँ पे बड़ा टारगेट बड़ा स्टॉप लॉस वाला सिस्टम क्रिएट हो चुका है। 39305 पे एंट्री हुआ है, 337 पे स्टॉप लॉस है, यानी कि 32 पॉइंट का ट्रेड है, उसके अगेंस्ट 39242 और 39210 का टारगेट बन रहा है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्यों है मैं आपको ये बता रहा हूं। पहला चीज है यहां पे इंट्राडे सप्लाई जोन है। इंट्राडे सप्लाई जोन कौन सा है? ये एरिया है, देखिए मैं आपको बताता हूं। इंट्राडे सप्लाई जोन है ये एरिया, ये इंट्राडे सप्लाई जोन से रिजेक्शन दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रेडिश कर देता हूं, देखिए इंट्राडे सप्लाई जोन से रिजेक्शन दिया है। एंड दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाया गया, एक बहुत जबरदस्त इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाया जो कि बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है। तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए जो डे हाई से रिजेक्शन मारा है, जनरली डे हाई डे लो वाले पॉइंट्स बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। देखिए डे हाई का पॉइंट था, यहाँ पे सप्लाई जोन भी था, तीसरा चीज है प्राइस एक्शन बन रहा है कैंडल स्टिक का। तीनों कंडीशन के साथ ये ट्रेड बना है, होपफुली इसमें टारगेट हिट हो मेरा आशा है, बाकी मार्केट सुप्रीम है, वो जो करेंगे वो हमें मंजूर रहेगा। दोस्तों जो टाइम है 10:03 हो चुका है, हमारे स्ट्रैटेजी का टाइम अप का नोटिफिकेशन आ चुका होगा। देखिए टाइम अप फॉर द स्ट्रैटेजी का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इस ट्रेड में और कोई नया एंट्री नहीं बनेगा इस सेटअप में, जो भी बनेगा अभी एग्जिट बनेगा। और ये पुट ऑप्शन का एग्जिट जो देखिए लो मारा है यहाँ पे 39250 का, 39242 का टारगेट था, बहुत ही पास आके वापस मूवमेंट किया है। वेट करते हैं दोस्तों हमारा पहला टारगेट हिट होता है कि नहीं। देखिए पुट का पहला टारगेट हिट हो चुका है 370 पे, 336-335 पे एंट्री था, 370 पे पहला टारगेट बन चुका है। दूसरा काम हमारा क्या रहेगा, हमारा दूसरा क्वांटिटी को कॉस्ट टू क्रॉस ट्रेल कर देना, एडिट वन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस 39337 पड़ा है इसको 305.5 पे ले आएंगे एंड सेफ चेंजेस में क्लिक कर देंगे। इतना करते ही हमारा जो स्टॉप लॉस है ट्रेल हो गया है कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है यहाँ तक चला जाता है, देखिए मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बोल रहा था, बहुत ही आराम से 1:2 मिल गया। 1:3 कहाँ पे बन रहा है वो भी फिर से बता देता हूँ, 39210 पे बन रहा है, देखते हैं वहां तक जाता है कि नहीं, पर 1:2 बहुत आराम से मिल चुका है दोस्तों। वेट करते हैं और कोई ट्रेड बनता है आपको अपडेट करता हूँ। टारगेट के आसपास मार्केट मंडरा रहा है, 39,210 का टारगेट है, 217 का भाव अभी चल रहा है, जो लो मार्के आया 39213 का मार्के आया, देखिए वापस से फिर से मूवमेंट कर रहा है। होपफुली ये कैंडल में थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट देके हमारा टारगेट ले जाए मार्केट पर, नखरे तो पता है आपको मार्केट के 39222। वेट करते हैं दोस्तों, इस बार हिट हो जाना चाहिए, जी हाँ 210 पर आ चुका है। थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूँ, कभी कभी अलाइज ब्लू में नोटिफिकेशन नहीं आता है। जी हाँ देखिए 370 पे पहला टारगेट, 378 पे दूसरा टारगेट हिट हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट करने के बाद नीचे आया, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम डीके भी कंसिडर हो गया। और इसी के साथ आज का ट्रेडिंग सेशन यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। मैं आपको शीट डाउनलोड करके टोटल आउटकम दिखा देता हूँ आज के ओवरऑल डे का। देखिए एक्सेल शीट डाउनलोड हो चुका है, उसको ओपन करता हूँ और उसमें जो फॉर्मुलेशन लगाना है वो लगा के आपको अपडेट कर दोस्तों। फॉर्मुलेशन लगा दिया है, पहला ट्रेड का आउटकम मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया हूँ। अगर टेलीग्राम चैनल में अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और एवरीडे का अपडेट यहाँ पे रिसीव करिए। पहला ट्रेड का टारगेट जो हिट हुआ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और फाइनल ट्रेड में हमें टोटल 43 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। और इसको अगर हम बैंक निफ्टी के लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कुल मिला के आज का प्रॉफिट 1,078 रुपये बन के आ रहा है। तो इसी के साथ आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म करते हैं और इस हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन भी खत्म होता है। फिर मिलते हैं सोमवार को ट्रेडिंग स्टार्ट के टाइम में, मार्केट स्टार्ट के टाइम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेफ ट्रेडिंग करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।